राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक 17 को नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 17 अक्टूबर को होगी। इसमें राजस्थान के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर महामंथन होगा। इस बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवाड़ी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी आशीष, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दें, 17 अक्टूबर को पहली सूची सामने आ सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल भारती, बताना चाहूंगा कि जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया, उसी के साथ पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, तो वही कांग्रेस भी अब पीछे नहीं रहने वाली है। कांग्रेस ने भी अब अपनी एक्सरसाइज को स्पीड दे दी है और इसी के तहत 17 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित होगी। तमाम दिग्गज जो इस समिति में शामिल हैं वो महामंथन करेंगे। काफी दिनों से एक्सरसाइज चल रही थी, फीडबैक किया जा रहा था, सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भेजे गए थे, बायोडेटास लिए गए थे और अब वो घड़ी आ चुकी है जिस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। कौन सी सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये एक कहा जा सकता है कि 17 अक्टूबर को फाइनल एक्सरसाइज करने के बाद में सूची जारी कर दी जाएगी और फिर चुनावी रण में उनके योद्धा तैयार होकर के उतर चुके होंगे और फिर कांग्रेस डायरेक्ट फाइट के लिए उतर जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक से काफी उम्मीदें लगाई जा रही है क्योंकि एडवांटेज कहीं ना कहीं बीजेपी ने लिया है। बीजेपी ने 41 नामों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा की जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है कि सिंगल नाम के अलावा जो कई सीट ऐसी हैं जिनमें देखना है कि सामने वाली पार्टी कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारती है, क्या जातिगत समीकरण बनते हैं, कौन प्रत्याशी हो सकता है। कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के टिकट डिक्लेरेशन के बाद में कांग्रेस करना चाहती है, कई सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई है, कई नेता किसी उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये फाइनल एक्सरसाइज 17 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में माना जा रहा है कि इसके बाद में वो तस्वीर क्लियर हो जाएगी और जितने भी जो प्रत्याशी है उन्हें मैदान में उतार दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं और अपने दौरे हैं, चुनावी दौरे उन पर निकल पड़े हैं। अभी AICC ने कार्यक्रम जारी किया है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 16 अक्टूबर को 12 में उनकी रैली होनी है, पैदल यात्रा करेंगे और पूरा दमखम के साथ में फील्ड में उतर चुके हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी मिजोरम के 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। 15 और 16 अक्टूबर को मिजोरम उनका दौरा है। इसके अलावा तेलंगाना जाने वाले हैं, 18 से 20 अक्टूबर तक 3 दिन का उनका कार्यक्रम रहेगा, बस यात्रा वहां पर करेंगे। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी राहुल गांधी की ओर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस यात्रा को कनेक्ट करते हुए लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिए पूरे दमखम के साथ इन 5 राज्यों में कांग्रेस जुट चुकी है। राजस्थान की बात करें तो 17 अक्टूबर को उम्मीद की जा रही है कि सूची आ जाएगी। जी बात जी आशीष, लेकिन 17 अक्टूबर को जो संभावना जताई जा रही है सूची बाहर आने की, वो तो उन नामों पर होगी जो सीटें गैर विवादित हैं, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी असमंजस की स्थिति कांग्रेस में दिखाई दे रही है, प्रदेश कांग्रेस में? जी बिल्कुल, कांग्रेस ही नहीं बीजेपी में भी ऐसी स्थिति है, दोनों ही पार्टियों में असमंजस की स्थिति है और कहीं कहीं कई सीटें पसोपेश में है। बीजेपी का भी आप देखें तो कई सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस ये चाहती है कि इस प्रकार का जो सीन है वो क्रिएट नहीं हो, सभी को बिल्कुल साथ लेकर के चला जाए। जैसे ही नाम सामने आए और उसके बाद में विरोध झेलना पड़े या प्रत्याशी बदलना पड़े, इस प्रकार का बैकफुट पे आने की जो एक्सरसाइज करनी पड़े वो नहीं करनी चाहती है कांग्रेस, और इसी के लिए रुक करके और ये 17 तारीख को महामंथन करके टिकट डिक्लेयर करना चाहती है। हालांकि सारी पूरी 200 सीटों पे डिक्लेरेशन एक साथ नहीं होगा, कई सीटें ऐसी बची रहेंगी जिनके ऊपर अंतिम समय में जब नामांकन की अंतिम तारीख होगी या उससे 1-2 दिन पहले तक भी सूची जारी की जाएगी, क्योंकि पूरा इंतजार किया जाएगा, पूरी रणनीतिक तरीके से पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस मिथक को तोड़ने के प्रयास में भी कांग्रेस जुटी हुई है। जिस प्रकार से सीएम गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, कई योजनाएं उन्होंने लागू की है, तो उनका पूरा प्रयास है, भरसक पूरा प्रयास है कि फिर से कांग्रेस को रिपीट किया जाए। तो उनकी रणनीति है कि जहां पर भी अगर रणनीतिक चूक भी हो गई तो उससे कहीं कहीं सत्ता हाथ से चली ना जाए, तो इस बात का इतिहास बरतते हुए
पूरा मंथन किया जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही 17 अक्टूबर तक मैक्सिमम जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। जी बात जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। तो ये थे A1 संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस लिहाज से ये जो बैठक आज होने वाली है पीएसी की, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और 17 अक्टूबर को पहली सूची जारी हो सकती है कांग्रेस की ओर से। असमंजस की स्थिति तो दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन ये देखना होगा कि 17 अक्टूबर को कौन कौन से नाम सामने आते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो गैर विवादित सीटें हैं, जहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्हीं सीटों की लिस्ट 17 अक्टूबर को आउट होगी।